हेलो नमस्ते सस्काल आदा मैं हूं वर्न ओली आदित्य आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें कोई भी प्लगइन सीखनी है तो किस तरीके से आप सीख सकते हो देखो बहुत सारे तरीके हैं प्लगइन्स को सीखने के बहुत सारी प्लगइन मार्केट के अंदर अवेलेबल है लेकिन आपको देखो सबसे पहले तो एक एक चीज फिक्स कर लेनी है कि भाई बहुत फैंसी प्लग पे आप शुरू में ना जाए ठीक है आप बेसिक्स सीखना शुरू करें जैसे कि कंप्रेशन इक्वलाइजर और इन सब का पर्पज क्या होता है मल्टीबैंड कंप्रेशन क्या होता है तो इनके बेसिक्स आप सीखें मैं भी अपने चैनल पर बहुत सारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पढ़े आप कहीं से भी सीखो ठीक है लेकिन सबसे पहले सीखो बेसिक्स भाई कंप्रेशन वर्क कैसे करता है अटैक रिलीज रेशियो थ्री सोल्ड यह सब चीजें क्या होती हैं इनसे कैसे क्या काम कर रहा है अगर अपने साउंड के अंदर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अब क्या होता है काफी सारी प्लगइन्स ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स होती है

मैंने बहुत सारी गलतियां करी लेकिन सबसे मेन चीज है कि उन गलतियों से सीखा भाई प्लगिनस की गलती नहीं है वो गलती है हमारी ट्रेनिंग की हमारी प्रॉपर से जो एयर ट्रेनिंग होती है ठीक है वो खराब होती है कहीं ना कहीं तो हम क्या कर, सोचते हैं कि यार ये दस प्लगिन डाल देंगे ये प्लगिन फला फला डाल देंगे तो काम अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है आपको प्लगिन को इंप्रूव नहीं करना है आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है विथ सेम प्लग ठीक है तो अभी जो काम है हमें क्या करना है बेसिक्स को सीखना है अब बेसिक्स को कैसे सीखें देखो तो यूट्यूब पे काफी सारे लोग वीडियोस डालते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे मैं जब सीख रहा था तो मैं क्या कर रहा था आ, मैं अभी भी सीख रहा हूं लेकिन जब मैं शुरुआत में एकदम जब मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी अभी काफी सारी नॉलेज है ठीक है तो लेकिन जब बिल्कुल नॉलेज नहीं थी तो मैं क्या करता स्टेप बाय स्टेप करता था भाई इक्वलाइजर मुझे पता चला तो अब मैं पता करूंगा कि इक्वलाइजेशन क्या होता है अब इसको कहां पे अप्लाई करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं प्लस किस जगह पर किस तरीके का तरीकाइज यूज होता है पर्टिकुलर एक साउंड को किस तरीक करना है? इस तरीके से स्टेप स्टेप बाय हमें हमारी जो सीडियां बनानी होती है ठीक है फिर हम आगे जाके प्लगिन्स को देखेंगे मैं शुरू में पे नहीं पर ठीक है अभी भी मैं खुद बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा कंपनियों की प्लग यूज नहीं करता हूं मैं एफ स्टूडियो में यूज करता हूं मोस्टली तो मैं एफ स्टूडियो की नेटिव प्लगिंग जो नेटिव बोलते हैं मतलब जो उसके अंदर आती है मैक्सिमम केसेस में वही लगाता हूँ सुन के जैसे कंप्रेसर है मेरे को उसका कंप्रेसर बहुत अच्छा लगता है लिमिटर कंप्रेसर जो आता है वो भी बहुत सही लगता है ठीक है कई बार मैक्सिमस यूज करते हैं और बहुत सारी जगह इक्वलाइजर में लो कट हाईकट और हल्का फुल्का बूस्ट और ये करने रहता है उस एफ स्टूडियो के जो पेरामीटर की क्यों आता है उसी से काम करता हूँ नो no मैटर आप कोई भी डो यूज करते हो हाँ पर ये होता है कि आप कोई अच्छा डो माल अच्छा डॉ का मतलब मतलब एफ भी अच्छा है अगर आप कोई अदर डो यूज करते हो एबेल्टन यूज करते हो आप क्यूबेस यूज करते हो न्यू इंडो यूज करते हो आप अगर प्रोटोल्स यूज करते हो तो उनके इनबिल्ड जो प्लग्स आती हैं वो थोड़ी सी वेरी करती हैं वो अच्छी अच्छी आ जाती हैं तो वो आपको ये है कि थोड़ा सा और अच्छा रहेगा मतलब आपको आपको बहुत सारी चीजें और अवेलेबल हो जाएंगी इक्वलाइजर थोड़ी स्मार्ट होते हैं जैसे एफ का काफी बेसिक इक्वलाइजर है मैं मानता हूँ ये बात लेकिन ये इनफ है लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर मान लो बहुत हेवी टाइप का करना है विंटेज ड्राइव चाहिए तो काफी सारी प्लगइन्स ऐसी आती हैं जो विंटेज ड्राइव प्रॉपरली विंटेज ड्राइव की प्लगइन है जो एफ स्टूडियो के बराबर कीमत की है एस एस एल वगैरह में प्लग आती हैं फिलहाल मेरे पास नहीं है लेकिन वो सब चीजें इतनी महंगी आती हैं तो अब उनका कुछ तो मकसद होगा ठीक है तो जब एक बार आप बेसिक सीख जाओ तो देन आप डेफिनेटली आप परस कर सकते हो आप बाय कर सकते हो दूसरी नई प्लग लेकिन पहले एफ एल स्टूडें फर्स्ट फोकस बेसिक आप बेसिक को आप या तो वीडियो देख के सीख सकते हो काफी सारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखें लेकिन एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं जिस वीडियो के इतना बड़ा मैंने जो ये बकवास करी है सारी इसका मकसद ये है कि भाई हर प्लग के अंदर किसी भी प्लग के अंदर आप चाह रहे हो उसकी वेबसाइट पर उसका मैनुअल या उसके जो ऑरिजिन ऑफिशियल होते हैं ना जो मतलब किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हो ठीक है चलो कोई मेरे जैसा ठीक है लेकिन आपको क्या सीखना है आपको मैंने कहा ना बेसिक्स आपको पता है कैसे वर्क करता है अब मान लो आप आ, किसी वेव वगैरह का या किसी का आ, जो फिल्टर में भी आता है सॉरी कंप्रेसर तो आप उसका यूज कर रहे हो तो अब क्या आपको कंप्रेशन का तो पता है आपको ये पता करना है वो पर्टिकुलर कंपनी है उसका जो कंप्रेसर प्लगिन आपने खरीदा हुआ है वो कैसे वर्क करता है तो आपको वो चीज समझनी है तो वो आप कैसे समझोगे आप उसका मैनुअल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैनुअल पढ़ो उसमें आपको हर एक चीज पता चलेगी उसकी चार और नई बातें और पता चल जाएगी मैं पर्टिकुलर इस तरीके से ज्यादा सीखता हूँ चीजों को ठीक है क्योंकि बहुत सारी प्लगिन मार्केट के अंदर आ रही है हम हर कोई परचेज नहीं कर सकते लेकिन हम उसका मैनुअल पढ़ के अगर थोड़ा बहुत चार पांच चीजें सीख जाए कि भाई हमें पता चल जाए कि यार ये प्लगिन ये काम करती है तो हम हमारी प्लगिन से भी वो साउंड ला सकते हैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लगिन ना खरीदे वो आप डेफिनेटली कर ही सकते हो लेकिन हाँ अगर आपको पता चल जाएगी प्लग इन बिहाइंड द सीन क्या वर्क कर रही है वो कहीं ना कहीं आपको मैनुअल पढ़ के और उसके जो वीडियोज वगैरह होते हैं ऑफिशियल वहां पर आपको पता चल जाता है ठीक है तो ये एक सिंपल सा तरीका है मैनुअल पढ़ो और काफी सारी चीजें आप सीख सकते हो खुद से और लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आपको मैनुअल पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी में होता है क्योंकि तो आप हिंदी वाले किसी बंदे की वीडियोस वगैरह देख सकते हो मेरे जैसे काफी सारे वीडियोस के मैं भी लेके मैं काफी सारी वीडियोस में भी लेके आता हूं अपने चैनल पर थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई मैनुअल पढ़ो मेन तो आगे यही था कहने का इतनी सारी बातें करने का ठीक है बाकी 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 बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं चैनल पर देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं अपने कीमती वक्त में से कीमती जो है समय निकाल करके कीमती स... वक्त वो सब छोड़ो आप सब्सक्राइब कर लो बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं काफी सारा कंटेंट आने वाले इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब मेरे गाने वगैरह सुनने के लिए आपको मेरा ऑफिशियल चैनल वन वरि लोली आदित्य मिल जाएगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आप नीचे ऊपर करने को मिलेगा चले चल मैनुअल डाउनलोड जरूर कर लेना भाई हर एक अरे का